नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी दवाइयों का बाप है ये नुस्खा, किडनी की सभी बीमारियों का करे जड़ से सफाया। दोस्तों, अगर आपकी किडनी फैल हो गई है या ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है या फिर ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर डायलिसिस भी नहीं कर रहे हैं और मरीज ऐसे ही पड़ा है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबके लिए एक वरदान की तरह है, एक उम्मीद की किरण है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको सभी बातों का निचोड़ बताते हैं कि कैसे आपको करना है किडनी की बीमारियों का इलाज। अगर आपकी किडनी फैल हो गई है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है तो ऐसा क्या करें? तो ये प्रयोग उन लोगों को भी करना चाहिए दोस्तों जिनका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके किसी भी तरह के नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यदि आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे तो आप तुरंत इसको बंद कर दीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस चमत्कारिक नुस्खे के बारे में जो आपके डायलिसिस को रोक देगा, आपकी किडनी को दोबारा से सही कर देगा। दोस्तों सबसे पहले किडनी के रोगी को चाय बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, चाहे फीकी चाय हो या फिर मीठी, चाय तो पीनी ही नहीं है। दूसरा, किडनी के रोगी को दूध और दूध से बनी हुई सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। और तीसरा, उनका अनाज मल्टीग्रेन कर देना चाहिए जिसमें बराबर मात्रा में गेहूं, जौ, बाजरा, मकई, चना या जो भी अनाज उपलब्ध हो वो सभी बराबर मिला लीजिए। कम से कम 7 अनाज तो होने ही चाहिए। इसके बाद रोगी को मौसम के हिसाब से 1 गिलास खीरे या ककड़ी का जूस रोजाना पीना चाहिए। मूली को पत्तों सहित खाना चाहिए और अगर आपके आसपास में पत्ता गोभी हो जो जैविक तरीके से तैयार हो तो आपको उसका सेवन भी करना चाहिए। अभी रोगी के लिए सबसे पहले काली देसी गाय जो गर्भवती न हो या उसका बछड़ा या बछड़ी, उसका मूत्र 8 बार सूती कपड़े से छानकर उसका 1 गिलास हर रोज सुबह खाली पेट और शाम को 6 बजे उनको पीने के लिए दें। यह प्रयोग उन सब के लिए भी फायदेमंद है जिनकी किडनी फैल हो गई हो या डायलिसिस चल रहा हो या सिस्ट हो या पूरे शरीर में कहीं कोई भी बीमारी हो, यह उन सब में प्रयोग है। इसके बाद में नीम और पीपल की छाल 20-20 ग्राम लेकर इसको 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसको अच्छे से निचोड़ कर सुबह शाम 50-50 ग्राम पी लें। ध्यान रहे कि शाम को जब आप इसको पिए तो दोबारा गर्म नहीं करना है और न ही इसको फ्रिज में स्टोर करना है। ध्यान रहे कि गोमूत्र और इस काढ़े में कम से कम 1/2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इसके 1 घंटे 50 ग्राम छोटा गोखरू और 10 ग्राम पुनर्नवा को 800 ग्राम पानी में पकाएं। जब यह 200 ग्राम रह जाए तो इसको अच्छे से मसल कर छान लें। इसको 100 ग्राम आप सुबह पिए और इस काढ़े के साथ में 2-2 गोली पुनर्नवा मंडूर की दें। ये गोली आपको किसी भी अच्छे फार्मेसी की ही लेनी है और ध्यान रहे कि शाम को आपको इस काढ़े को दोबारा गर्म नहीं करना है और न ही इसको फ्रिज में स्टोर करना है। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका डायलिसिस रुक जाएगा और आपकी किडनी दोबारा से सही हो जाएगी, रीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों किडनी के रोगी को चाय, दूध, मांस, मछली, मदिरा, सिगरेट, टमाटर और भिंडी से सख्ती से परहेज करना चाहिए। सब्जियों में मूली, गाजर, सहजन, गोभी, हरी दाल, पत्ता गोभी इत्यादि आप खा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई रिलेटिव जानकर कोई भी इस किडनी की बीमारी से परेशान है तो आप उसको इस वीडियो को जरूर सेंड करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए इस नुस्खे को घर पर बनाए और अपनी किडनी को सही कर दे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।